आपका अपना चैनल इंडिया A1 न्यूज़, जो रखे आपको A1। एक देश में जो सबसे बड़े कुर्सी पर बैठते हैं उनका ही सबसे बड़ा जिम्मेदार होता है कि भारत के कोने के कोने में उनके जो सिटीजन्स हैं उनका क्या हाल है, उनका वो स्टेट कौन से कंडीशन है, उनका ही सबसे बड़ा जिम्मेदारी होता है। तो फिर अगर उन्होंने खुद ने बोला था कि अगर एक राज्य को कोई संभल नहीं सकता तो फिर उस राज्य के ऊपर बैठने का उनका कोई लायक नहीं है। तो फिर मोदी जी, मैं कहना चाहूँगी आपसे भी कि अगर आप विदेश जाके दुनिया के बड़े बड़े लोगों को गले लगा सकते हो तो फिर आप मणिपुर जाके उनको गले क्यों नहीं लगा सकते, उनसे हाथ क्यों नहीं मिल सकते जिनको जो इस एथनिक वायलेंस से बहुत अफेक्टेड है, जिनके परिवार मरे हुए हैं, जिनके पास खाने पीने के लिए अभी कुछ और कुछ नहीं बचा है। आज जब बीरेंद्र सिंह जी, हमारा जो CM है मणिपुर का, जब वो भी पर्सनल नफरत की वजह से कम्युनल लाइन से हमारे ऊपर ऐसा कुछ जो घटना घटा है, हमारे ऊपर ये हमला हो रहा है उनका ही सपोर्ट की वजह से है, जब वो कर रहे हैं तो फिर सेंट्रल भी चुप क्यों है या भारत का सरकार चुप क्यों है, इसे रोकने के लिए कुछ क्यों नहीं कही। अगर प्रधानमंत्री उनके ऊपर, उन गुनहगारों के ऊपर जो सजा देना चाहिए उनको, अगर वो दे दे तो फिर पता नहीं शायद एक नया उम्मीद भी आ सकता। पर जो बीरेंद्र सिंह है, हम तो उन्हें कभी भी माफ नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने एक CM का जिम्मेदारी होता है उनके जो स्टेट में, चाहे किसी भी कम्युनिटी किसी भी भाषा बोले, उनका चिंताओं का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहिए, उन्हें जिम्मेदारी उठाना चाहिए। पर अभी जो हो रहा है वो सिर्फ अपने कम्युनिटी के साइड ले रहा है, दूसरे कम्युनिटी का तो कोई चिंता है भी नहीं। होम मिनिस्टर भी गया था पर उनके वहाँ होने के बावजूद फायरिंग अटैक्स ऐसा कुछ बंद नहीं हुआ, उसके वहाँ रहने के समय में ही फायरिंग होता जा रहा था, हमारे ऊपर हमले किए जा रहे थे। उसके भक्त ने कहा है, उनके फॉलोअर्स ने बोला है कि एक फोन कॉल से रशिया यूक्रेन का जो लड़ाई है वो रुकवा दिया। तो फिर मणिपुर एक छोटा सा राज्य, हम गिनने में भी बहुत कम है, तो फिर हमारा लड़ाई क्यों नहीं रुक सकता। अगर वो चाहते तो फिर वो बिना आके भी एक फोन कॉल से रुकवा सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसका मतलब हो सकता है कि वो बीरेन को अपना आवाज ना उठाने से सपोर्ट कर रहा है।